Hey guys, welcome back to the channel. और आज हम बात करेंगे अपकमिंग हिंदी मूवी मेड इन चाइना के ट्रेलर जो कि जी कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ है. मिखिल मुशेल ने उसको डायरेक्ट किया है एंड जो कि एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. गुजराती मूवी एक बनाए थे एंड इट वॉज नेशनल अवार्ड. सो मेड इन चाइना जो कि एक बड़े बजट की मूवी बन रही है. मूवी शूट है अहमदाबाद और चाइना में एंड राजकुमार राव मौनी रॉय मेन कैरेक्टर, उनके साथ बोमन ईरानी भी हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि मनोज जोशी, अमायरा दस्तूर, सुमित व्यास, अमित बिमरोत, ये सब कैरेक्टर हैं. तो चलिए पहले देखते हैं इसका ट्रेलर, देन उसके बारे में बात करेंगे. तुम एक दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे. मैं सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. कस्टमर कौन है? किंग. कस्टमर इज द किंग. कस्टमर चूतिया है. कस्टमर की नीड ताला है और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई बन गए एंटरप्रेन्योर. सही है. अपने आप को एंटरप्रेन्योर साबित करने का एक और मौका किस्मत ने मुझे दिया. रुक्मिणी, हम जब रात को करते हैं तो पूरी तरह से खुश हो जाती है. इटली से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है. डोंट वरी, मैं टॉप फ्लोर तक भी पहुंचती हूं और वहां से व्यू भी एंजॉय करती हूं. मतलब लिफ्ट डबल में काम कर रही है. लिफ्ट और लिफ्ट मैन दोनों. चाइना से इतना डर मत, तेरे को कोई अफगानिस्तान या सीरिया नहीं भेजा, चाइना ही भेजा. व्हाट इंडियन पीपल वांट? गुड रोड, फैट टाइगर, क्लीन सूप. Selling like hot cakes, 10 times better than Viagra. सर वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती. ये थ्री डी वाले बोमन ईरानी वो माचिस की तरह होता है और बुझ जाता है. आपने मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो. मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना जो सब गुप्त रोगों का इलाज है. प्रोडक्ट मेरा, पेशेंट आपके, मुनाफा दोनों का. सूट तेरी कहानी, वर्दी तेरा हीरो. कहानी को नहीं, हीरो को बेच. जो मेरा है ना छोटा भाई, उसे बाहुबली बनना है डॉक्टर. इसका कोई सलूशन है? उनको ये सूप पिला दो. ये लगाने का है कि खाने का? पहला खाने का फिर लगाने का. हम इस सूप को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे. रघुवीर मेहता, तुम रॉकेट हो, तुम्हारे पीछे आग है. Put your hand on behind and feel the heat. Abhi? Of course. Come on, yes. Thoda garam hai sir. So movie release ho rahi hai 25th October ko and sex education ke upar hai. Jaise ki trailer dekhe lag raha hai. Gujarati ek businessman ka role play kar rahe hain shayad Rajkummar Rao and Mouni Roy obviously unki wife. एंड बोमन ईरानी एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड उनका लुक्स मुझे लग रहा है वो थ्री इडियट्स वाले लुक्स में फिर से लग रहे हैं वो. या फिर आप बोल सकते हो मुन्ना भाई MBBS के वो जो डॉक्टर वैसे उस टाइप का है. कुछ भी बोल सकते हो, उनका रोल उसी में ही अच्छा लगता है. मतलब वो डॉक्टर काइंड और वो प्रिंसिपल काइंड, उस तरह का एटीट्यूड जो उनमें रहता है वो अच्छा लगता है. राजकुमार ऑब्वियसली ही इज़ कॉमिकली हिलेरियस जो जब भी ऐसा रोल करते हैं. स्त्री देख लीजिए आप, यू नो अभी कुछ दिन पहले एक उसी सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक सोनाक्षी सिन्हा का मूवी आई थी खानदानी शफाखाना, जो कि मूवी एक्चुअली चली नहीं ज़्यादा, बट देन ये अनदर मूवी है. लेकिन इसमें स्टार कास्ट बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि राजकुमार राव है, बोमन ईरानी है और मौनी रॉय है. क्योंकि डायरेक्टर का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, तो स्टोरी लाइन का आइडिया तो होता है. कैसे वो यू नो अपना प्रोडक्ट ला के बेचते हैं चाइना से, जो कि चाइनीज़ वाले बोलते हैं हमेशा ओबियसली स्ट्रांग बहुत ही होता है उनका कम दाम में. तो ये देखना पड़ेगा कैसे है. सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी आजकल मूवीज़ बन रही है लेकिन उसमें जो कॉमिक है, कॉमिक टाइमिंग राजकुमार राव का एज यूजल बहुत ही अच्छा है. देन नीड टू सी ये फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन क्योंकि जो दो दो तीन डायलॉग बोले उसे लगा कि नहीं कि फैमिली के साथ देख सकते हैं. बहुत ही डबल मीनिंग वाला डायलॉग था.
तो देख के ही पता चलेगा कि ये मूवी कैसा रहेगा। सो और एक इंटरेस्टिंग बात जो कि ये मूवी को लेकर है, जब भी दिवाली में ये रिलीज़ हो रही है तभी हाउसफुल 4 भी रिलीज होने का प्लान है। सो इट विल बी क्लैश विथ हाउसफुल 4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेके आ रहा है हाउसफुल सीरीज़ का। सो देखना पड़ेगा कि ये कैसा मूवी रहता है। एंड ऑब्वियसली चाइना और अहमदाबाद में शूट हुआ है मूवी, चाइना के बारे में तो चाइना में शूट हुआ है, गुजरात में भी शूट हुआ है। तो देखिए मूवी देख के पता चलेगा कैसा मूवी है। ऐसा मूवी आजकल विकी डोनर जैसा मूवी उसके बाद ज़्यादा चला नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट और डायलॉग के साथ मूवी ज़रूर चल सकती है। तो आप भी बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कौन सा डायलॉग आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो वो सेल्समैन वाला कस्टमर वाला डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा, कस्टमर इज़ नॉट किंग इज़ अ चूतिया। ऑब्वियसली सेल्समैन ऐसा ही सोचना चाहता है आजकल। तो आप भी बताइए कैसा लगा एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इफ यू वांट टू सी एनी अदर ट्रेलर। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।